हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल विजडम साइड। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25। ये है क्लास 9th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए और इसकी आने की डेट है 1st of September। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं वर्कशीट में क्या है। तो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया है जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब ये आपके बुक में ही एक चैप्टर है, उससे पैसेज है एंड इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका हमें आंसर करना है। ओके, तो फटाफट लेट्स सी कि इसमें क्या दिया है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, और फटाफट देख लेते हैं इसका मतलब क्या है, फिर क्विकली चलेंगे क्वेश्चंस आंसर्स पे और सारे आंसर्स नोट डाउन करेंगे। तो पहली लाइन है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो ये जो एडवेंचर्स ऑफ टोटो है ये किसने लिखी थी, रस्किन बॉन्ड। तो ऑथर ऑफ द बुक इज रस्किन बॉन्ड। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तो ऑथर्स के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनको एनिमल्स का बहुत शौक था। ही हैड His private zoo in which he kept a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and a goat. तो उन्होंने एक अपना छोटा सा घर में ही अपना पर्सनल जू बना रखा था जिसमें उन्होंने tortoise, rabbits, squirrels and goats रखे हुए थे। Once he bought Toto, a baby monkey, from a Tonga driver for 5 rupees. तो एक बारी वो एक टोटो लेकर आए। टोटो कौन था? एक बेबी मंकी था, एक बंदर था छोटू सा, जो उन्होंने एक ड्राइवर से खरीदा था। टोंगा का ड्राइवर है, उससे खरीदा था 5 रुपए में। ही वॉज अ प्रिटी मंकी बिकॉज ही वॉज अ प्रिटी मंकी बट वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पे मंकी के बारे में बताया गया है। जो टोंगा जो टोटो था वो बहुत प्रिटी मंकी था लेकिन बहुत शरारती था। ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन एवर ग्रैंड फादर ब्रॉट सम न्यू एनिमल और बर्ड। तो जो ऑथर की दादाजी थी वो हमेशा परेशान हो जाती थी जब भी दादाजी नया एनिमल या बर्ड लेकर आते थे घर में। फॉर दिस रीजन टोटोज अराइवल वॉज केप्ट अ सीक्रेट। तो इसी वजह से ग्रैंडफादर ने दादी को नहीं बताया था कि वो टोटो एक मंकी को लेके आए हैं। वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून फॉर सम वर्क, सो ही टुक टोटो अलॉन्ग इन अ कैनवस किट बैग। तो एक दिन दादाजी को, ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था कुछ काम के लिए, तो उन्होंने क्या किया, टोटो को एक कैनवस बैग में रख दिया और अपने साथ ले चले। ऑन द वे ही पोक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग एंड केम टू द नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर। Therefore, grandfather had to pay 3 rupees as fine. तो क्या हुआ, जब grandfather ने उसे canvas kit में डाला था तो बस में बैठ गए थे, तो अब क्या किया, टोटो तो शरारती था, उसने क्या किया, अपना सर निकाल लिया canvas kit से, और ये कंडक्टर ने देख लिया। तो कंडक्टर ने देख लिया, टिकट कलेक्टर ने देख लिया, तो उसने फाइन लगा दिया grandfather को 3 rupees का, क्योंकि एनिमल्स को बस में ले जाना अलाउड नहीं था। When Toto was finally accepted in the house, he was given a comfortable home in the stable. There he kept troubling Nana, the family donkey. तो जब टोटो को फाइनली ग्रैंड मदर ने भी एक्सेप्ट कर लिया तो उसे घर में एक जगह दे दी, स्टेबल में रख दिया। एंड वहाँ पे वो नाना जो था, नाना कौन था, एक डोंकी था, उसके साथ खेलता था और ट्रबल करता रहता था। ही एंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग। व्हेनेवर ही वेंट टू टेक बाथ ही चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर फर्स्ट देन टुक बाथ एज ही हैड सीन ग्रैंडफादर डूइंग सो। तो टोटो को गर्म पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता था सर्दियों में, तो क्या करता था, जैसे ही उसको नहाने के लिए ले जाते थे सबसे पहले वो टेम्परेचर चेक करता था कि पानी गर्म है कि नहीं है, क्योंकि उसने ग्रैंडफादर को भी ऐसे करते हुए देखा था। ही वॉज ऑलवेज अप टू सम ऑर दी अदर मिस्टीफ। उसे हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें करनी होती थी। ही टोर द कर्टन्स, क्लोथ्स, वॉल पेपर्स एंड ब्रोक द डिशेज। तो कभी बर्तन तोड़ दिए, वॉल पेपर स्क्रैच कर दिया, कर्टन्स फाड़ दिए, ये सब करता रहता था क्योंकि बहुत शरारती था। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो टोटो इतना शरारती था, उसको घर में ऐसा पेट था कि उसको घर में आप हमेशा या ज्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते। फाइनली ग्रैंड फादर रिटर्न हिम टू टोंगा ड्राइवर फॉर 3 rupees। तो फाइनली ग्रैंड फादर ने क्या किया, उसको वापस कर दिया टोंगा ड्राइवर को 3 rupees। ओके, तो आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। अब फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो ये तो क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे लिखा है रस्किन बॉन्ड, तो इसका आंसर है 3 रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी बिकॉज। तो टोटो प्रिटी मंकी क्यों था, क्योंकि उसके पास वो अट्रैक्टिव था, स्टोरी में बताया उसके ब्राइट आइज थे, उसके पर्ली वाइट टीथ थे, तो ये सब चीजों की वजह से वो अट्रैक्टिव मंकी था। तो आंसर है 4 all of these। नेक्स्ट इज ग्रैंड फादर टुक टोटो विद हिम टू डैश इन अ डैश। तो यहाँ पे दिखाया था ना, ग्रैंड फादर देहरादून गए थे, उसको कैनवस किट बैग में ले गए। तो यहाँ पे आंसर आपका 4 है, देहरादून एंड कैनवस बैग। ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू देहरादून इन अ कैनवस बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टोटो गॉट एक्सेप्टेड ही वाज प्लेस्ड अलोंग विद नाना द फैमिली डोंकी इन अ स्टेबल। तो उसको स्टेबल में रखा था, यहाँ पे देखो स्टेबल दिया है।
नेक्स्ट इज टोटो ऑलवेज डैश द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ही वेंट टू बाथ, तो हमेशा वो टेम्परेचर चेक करता था पानी का, तो आंसर है टू चेक. नेक्स्ट इज व्हाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, तो क्या करता था टोटो क्या करता था, कभी डिशेस ब्रेक कर दिए, कभी कर्टन्स फाड़ दिए, तो इसका आंसर है, मतलब इसका आंसर ये दो है तो आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, ये नहीं है आंसर, वन इज नॉट द आंसर, इसलिए ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, तो टू या थ्री में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दैट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग, आप हमेशा के लिए टोटो को नहीं रख सकते थे क्योंकि बहुत शरारती है, वो एक घंटे कुछ दिनों की बात नहीं थी, तो उसका आंसर है थ्री लॉन्ग. नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू हैव डन विद टोटो इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ ग्रैंडफादर, तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना आपसे पूछा है कि अगर आप ग्रैंडफादर की जगह होते तो आप टोटो के साथ क्या करते, तो यहाँ पे आप अपने जजमेंट के बेसिस पे आपको जो लगता है आप आंसर लिख सकते हो, तो मैंने तो अपने हिसाब से लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पे आई वुड हैव नेवर बॉट टोटो, तो मैं किसी मंकी को नहीं खरीदती बिकॉज मंकीज आर डिफिकल्ट एनिमल्स टू कीप एज अ पेट, बहुत मुश्किल होता है कि मंकीज को एज अ पेट के जैसे रखना, तो मैंने इसका आंसर सेलेक्ट किया है थ्री नेवर बॉट हिम, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटो वॉज अ मिस्टीवियस मंकी बट देन वी शुड सेल लीव द एनिमल्स इफ वी कैनॉट टेक केयर ऑफ देम, इज इट एथिकल टू डू सो, तो मतलब टोटो तो एक बहुत शरारती मंकी था बट क्या हमें एनिमल्स को एक बेच देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए कहीं बीच में अगर हम उनका ख्याल नहीं रख सकते, क्या ये सही बात है, तो इसमें पूछा है नो येस मे बी या फिर एनी अदर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए फोर एनी अदर, तो क्योंकि अगर हम किसी एनिमल का ख्याल नहीं रख सकते तो हमें उन्हें खरीदना ही नहीं चाहिए, तो नो वी शुड नॉट सेल ऑली मंकीज इफ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, वी शुड बाय देम ओनली इफ वी कैन टेक केयर ऑफ देम. ओके तो किड्स बच्चों ये थे इसके आंसर्स, एच क्वेश्चन एच और आई थोड़े सब्जेक्टिव है, मतलब बेस्ड ऑन आपका क्या जजमेंट है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो आंसर में, तो मोर और लेस ये आंसर्स हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करके जाना हमारा चैनल ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करना क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. गुड बाय, टेक केयर.